खुरई के गुरुकुल चौराहा पर सड़क किनारे रखी दो मैकेनिक की गुमटियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। वहीं आग लगने से 10 बाइक जलकर खाक हो गई। शहर के गुरुकुल चौराहे के पास सड़क किनारे रखी बाइक मैकेनिक की दो अस्थायी दुकानों में अज्ञात कारणों से आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जानकारी के मुताबिक गुरुकुल चौराहे के पास सड़क किनारे अंशु ऑटो गैरेज के नाम से दो अस्थायी गुमटियां रखी हुई है। उसी में 6 नई और 4 पुरानी बाइक रखी थी जो सुधरने के लिए गैराज में आई हुई थी। ऑटो गैराज में अचानक आग लग गई और 10 बाइक जलकर खाक हो गई। आग लगने से एक बड़ा हादसा होने से भी टल गया। शहरी थाने के आरक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर रात के समय चीता बाइक पर गश्त कर रहे थे। उसी दौरान आग लगने की जानकारी मिलने के बाद आरक्षक एवं डायल 100 मौके पर पहुंची और तत्काल इसकी जानकारी नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को दी गई। दुकान के बाहर एक कार खड़ी हुई थी जो लॉक थी। आरक्षक सत्येंद्र सिंह की सूझबूझ से कार को अलग किया गया। इसके अलावा एक दुकान में हवा भरने वाला हवा टैंक भी रखा हुआ था। आरक्षक ने दुकान के ताले तोड़कर फायर ब्रिगेड के जरिए उस हवा टैंक में आग लगने के पहले ही आग बुझा दी, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दुकान में आग लग गई है 11:30 बजे समथिंग, और नुकसान पहुँचा दी। और 10 गाड़ी रखी थी वो भी आग लगी, जिसमें से 6 नई गाड़ियाँ थी और 4 पुरानी थी। तो चारों गाड़ी 6-10 गाड़ी में आग लग गई है और दुकान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नई फ्रेश गाड़ियाँ थी, कई करिश्मा थी, पल्सर 220 थी और ZMR थी, और भी कई गाड़ियाँ थी, एक्टिवा थी, SC थी, और भी पुरानी गाड़ियाँ थी, उनमें सब में आग लग गई और बहुत काफ़ी नुकसान हुआ।